मोबाइल मैथ में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के आगे का पार्ट, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अनुप्रयोग आज अपन पढ़ेंगे कि इसका अनुप्रयोग कैसे क्या होता है। ठीक है, तो उसके अपन उदाहरण नंबर 36 और उदाहरण नंबर 37 आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो अच्छे से समझने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें, अच्छे से समझ में आएगा आपके। और अभी तक आपने अगर चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करने के लिए लाइक वाला बटन है वो ज़रूर दबाएं, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। ठीक है, तो सबसे पहला अपना सवाल है उदाहरण नंबर 36 आज की इस क्लास का, कि सिद्ध करो कि एक वृत्त के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं अपन इस टाइप से, उसके बाद में उसके अंदर क्या बनाना है, एक आयत बनाना है। वृत्त के अंदर क्या बनाना है, आयत, इस टाइप से। केंद्र आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, यानी आयत। अब दो बातें इसमें सिद्ध करनी है क्वेश्चन के अंदर, कि एक तो जो आयत है ना, जो अपना ये आयत बना है वो क्या है, एक वर्ग है। सबसे पहली बात कि आयत जो बनाया अपने इस वृत्त के अंदर वो वर्ग होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। दूसरी बात कि जो आयत बना है उसका क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम। ये दोनों बातें अपने को सिद्ध करनी है, तो दोनों बातें सिद्ध करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। सबसे पहला कि सिद्ध करना, एक नंबर बात अपने को ये सिद्ध करनी है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या है, अधिकतम है। दूसरी बात, आयत को क्या बना रखा है यहाँ पे, वर्ग। तो आयत क्या होना चाहिए, आयत एक वर्ग है। ये दोनों बातें अपने को सिद्ध करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होने के लिए सबसे पहले अपने को आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को भुजा चाहिए। तो उसके लिए अपन ये जो आयत की लंबाई है उसको तो एक्स मान लेते हैं, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अधिकतम दिखाना है, तो अपने आयत का क्षेत्रफल से ही शुरू करेंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत के क्षेत्रफल को अपन यहाँ पर लिखेंगे एस से। ठीक है, और लंबाई तो एक्स है और इंटू चौड़ाई कितनी है, वाई। उसके बाद अपन बात करें ये जो भाग है ये क्या है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या क्या हो जाएगी वृत्त की आर, और ये भी त्रिज्या क्या होगी, आर। तो ये पूरा वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, जिसकी लंबाई कितनी होगी, टू आर होगी। ठीक है, अब अपन यहाँ से वाई का मान अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या एक्स का मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से एक्स का मान निकाल लिया है, सॉरी वाई का मान निकालें अपन, तो वाई का मान क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण तो यहाँ पे क्या है, टू आर है, टू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर आर। आधार कितना है, एक्स स्क्वायर। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इस त्रिभुज से निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो आधार एक्स है, लंब वाई है, कर्ण कितना है, टू आर है। तो फोर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा फोर आर स्क्वेयर माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। रूट लगा हुआ है, स्क्वेयर लगा हुआ है, स्क्वेयर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो वाई का मान कितना आ गया, रूट फोर आर स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। तो एस बराबर में क्या बन गया अपना, एक्स इंटू रूट फोर आर स्क्वेयर माइनस में क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर। ये मैंने वाई का मान यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो त्रिज्या है ये तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर आर का मान क्या है, नित्य है। तो एस बराबर में क्या आ गया, अब यहाँ से रूट अगर हटाना चाहें अपन, रूट हटाना चाहें तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो एस का भी वर्ग होगा और एक्स का भी क्या होगा, वर्ग। इसका वर्ग होगा तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा फोर आर स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट यानी अधिकतम तथा न्यूनतम के लिए अपन तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि इसका अवकलन करो जो फलन अपना बना है, दूसरा क्या होता है, बराबर में जीरो लिखो अवकलन के, तीसरा होता है एक बार पुनः अवकलन करो। ठीक है, ये तीनों स्टेप अपन यहाँ पर इसी क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने आयत का क्षेत्रफल अधिकतम सिद्ध करना था, तो उसके लिए आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया लंबाई गुणा चौड़ाई से, लंबाई यहाँ पे एक्स मान ली और चौड़ाई यहाँ पे वाई मान ली, तो एक्स गुणा क्या हो गया, वाई। लंबाई एक्स, वाई का मान निकाल लिया इस त्रिभुज की सहायता से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले सूत्र से, कितना आ गया, रूट फोर आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर लिया, तो वर्ग करेंगे तो एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर फोर आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर को अपन क्या मान लेते हैं, माना एस स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पे ए है, इसको ए से शो कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर और फोर आर स्क्वायर माइनस में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। ये अपनी समीकरण आ गई नंबर एक।
अब अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए सबसे पहला काम अवकलन करना होता है, तो ए का क्या करेंगे, फर्स्ट शेप होना शुरू होता है, तो ए का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष, तो डी ए बाई कितना आ जाएगा, डी एक्स एक्स स्क्वेयर का, और इस आगे वाले ब्रैकेट का अवकलन करेंगे तो यू इंटू वी से होगा, यू इंटू वी से, तो एक्स स्क्वेयर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, वी का वी आ जाएगा 4r स्क्वेयर माइनस में क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, अब वी का अवकलन कर लेते हैं तो 4r स्क्वेयर तो यहाँ पे नियत है, तो इसका तो अवकलन हो गया जीरो, यानी कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो होता है, और माइनस एक्स स्क्वेयर का अवकलन हो जाएगा माइनस का 2x, तो डी ए बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, यहाँ से देखो ये 2x है और इधर भी क्या है 2x है, तो 2x अपन ने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे तो क्या बच गया 4r स्क्वेयर माइनस में क्या बचा एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स का मान क्या आ गया यहाँ से 2x इंटू 4r स्क्वेयर माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वेयर हो गया, ठीक है, ये अपना फर्स्ट स्टेप जो है इसका कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप अपना क्या था इसमें कि डी ए बाई डी एक्स को अपन जीरो के बराबर पुट करते हैं जिससे कि एक्स का मान निकलता है, तो ये अपना डी ए बाई डी एक्स निकल गया यहाँ से। अब अगला स्टेप सेकंड, डी ए अपन में डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, अपन जीरो लिखेंगे जिससे मान एक्स का निकल जाएगा, तो डी ए बाई डी एक्स बराबर जीरो लिखते हैं, तो 2x इंटू 4r स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से जीरो, तो x बराबर जीरो तो संभव नहीं है क्योंकि लंबाई जो है आयत की जीरो तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो जीरो तो होगा नहीं। अब ये वाला क्या हो जाएगा 4r स्क्वेयर माइनस में 2x स्क्वेयर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से जीरो, तो ये वाला क्या बन जाएगा अपना स्टेप, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि 4r स्क्वेयर माइनस में कितना अपने पास में 2x स्क्वेयर बराबर कितना इसके जीरो, देखो 4r स्क्वेयर बराबर क्या आएगा यहाँ से 2x स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस का इधर जाएगा प्लस का, टू टू जाए कितना हो जाएगा फोर, तो एक्स स्क्वेयर बराबर कितना आ गया 2r स्क्वेयर आ गया, एक्स स्क्वेयर बराबर कितना आ गया 2r स्क्वेयर, अपने को मान चाहिए x का, तो स्क्वेयर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वेयर, तो x बराबर कितना आ जाएगा रूट 2r आ जाएगा, r स्क्वेयर बाहर आएगा रूट से तो r बनेगा और रूट 2 है ही, तो x का मान कितना आ गया रूट 2r आ गया, ठीक है, तो दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप होता है अपना कि अपन एक बार और अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करके, पुनः अवकलन करने के बाद में कंडीशन देखेंगे जो अपना मान निकला है उस पर कि मान बड़ा आएगा जीरो से या फिर छोटा आएगा, अगर मान जीरो से छोटा आ जाता है तब अपना जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा अधिकतम, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे देखना है कि छोटा आएगा या बड़ा आएगा, तो एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो तीसरा स्टेप अपना क्या बन जाएगा डी ए बाई डी एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा डी टू ए अपॉन में क्या आएगा डी एक्स टू, ठीक है। अब ये अपना ये u है और ये v है, तो u इंटू वी से होगा, तो 2x का अगर अवकलन करते हैं तो 2x का 2 हो जाएगा यानी x का 1 हो जाएगा, और ये सेम का सेम आ जाएगा 4r स्क्वेयर माइनस में आगे है 2x स्क्वेयर प्लस 2x का अवकलन कर लिया अपन ने तो 2x का 2x। अब v का अवकलन करेंगे तो 4r तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका तो अवकलन हो गया जीरो, माइनस 2x स्क्वेयर का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वेयर का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, x स्क्वेयर का 2x, 2x का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 4x, तो ये डी स्क्वेयर ए अपॉन में डी एक्स टू की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 इंटू 4r स्क्वेयर माइनस में 2x स्क्वेयर और माइनस ये प्लस ये माइनस आ जाएगा 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये एक्स स्क्वेयर का माइनस 8 एक्स स्क्वेयर आ गया। अब अपने को चेक किस पे करना है, जो पॉइंट अपना निकला है तो x बराबर रूट 2r पर डी टू ए अपॉन में डी एक्स टू का मान क्या आएगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से डी टू ए अपन में डी एक्स टू देखते हैं अपन, ये 2 का 2 ये 4r स्क्वेयर है माइनस 2 गुणा एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का मान क्या निकाला अपन ने 2r स्क्वेयर, यानी जिससे तो ये बना है, तो एक्स स्क्वेयर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 2r स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो 2 का 2 एक्स स्क्वेयर की जगह मैंने लिख लिया 2r स्क्वेयर माइनस 8 इंटू एक्स की जगह क्या लिख लिया 2r स्क्वेयर, जिससे तो ये माना यानी एक्स बराबर रूट 2r बोलो या फिर इसको एक्स स्क्वेयर अपन क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वेयर करेंगे तो ये दो रूट का स्क्वेयर 2 हो जाएगा और आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर बराबर 2 आर स्क्वेयर अपन लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वेयर बराबर मैंने 2 आर स्क्वेयर लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ से डी टू ए अपॉन में डी एक्स टू की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, ये देखो 4r स्क्वेयर माइनस 4r स्क्वेयर, ये 2 इंटू 2 करेंगे 4r स्क्वेयर होगा, ये प्लस का 4r स्क्वेयर ये माइनस का 4r स्क्वेयर कैंसिल हो गया कट गया ये, तो और ये क्या बच गया माइनस 8 दुआ 16r स्क्वेयर, जो कि जीरो से क्या है छोटा, माइनस 16r स्क्वेयर का मान जीरो से क्या है छोटा, अगर डी टू ए अपॉन में डी एक्स टू का मान माइनस में आ गया अतः तब जो फलन है या जो अपने पास में जो एरिया है आयत का वो क्या हो गया अधिकतम, अतः x बराबर रूट 2r पर
आयत का मान, आयत का क्षेत्रफल क्या निकाला था अपन ने, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल से शुरू करते हुए ये सारा अपन ने किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो x बराबर रूट टू आर पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे अधिकतम, अगर ये आता बड़ा जीरो से तब न्यूनतम होता, लेकिन अब जीरो से छोटा है तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम है, ठीक है। तो एक बात तो अपन ने प्रूव कर दी कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया अधिकतम। दूसरी बात, आयत क्या होना चाहिए, एक वर्ग होना चाहिए। तो आयत का वर्ग होने के लिए एक्स का मान वाई के मान क्या क्या आना चाहिए बराबर। अब एक्स का मान तो अपना क्या निकला है, रूट टू आर निकला है, वाई का मान निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे यहाँ से, ये समीकरण अपनी थी यहाँ से, देखो दूसरा अपना जो है कि आयत एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए सिद्ध करना है अपने को दूसरा स्टेप कि आयत एक वर्ग है। तो y बराबर अपने पास में कितना है, y बराबर में ये निकाला था अपन ने कर्ण स्क्वायर वाले सूत्र से, रूट फोर आर स्क्वायर माइनस में कितना है, एक्स स्क्वायर। तो y का मान क्या आ गया यहाँ से, रूट फोर आर स्क्वायर माइनस में x, x का मान निकाल लिया अपन ने, ये एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख लेंगे टू आर स्क्वायर। तो y का मान कितना आ जाएगा, चार आर स्क्वायर में से दो आर स्क्वायर निकालेंगे तो दो आर स्क्वायर ही बचेगा, और रूट ये बाहर आएगा, तो ये तो रूट दो ही हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आर आ जाएगा। तो वाई का मान भी कितना आ गया, रूट दो आर, और एक्स का मान भी कितना है, रूट दो आर है, एक्स का मान भी कितना है, रूट दो आर, जो कि अभी अपन ने निकाला है यहाँ से। तो एक्स का मान किसके बराबर हो गया, वाई के, एक्स और वाई दोनों का मान बराबर है यहाँ पर, एक्स का मान भी रूट दो आर और वाई का मान भी रूट दो आर, अतः क्या सिद्ध हुआ यहाँ से, अतः सिद्ध होता है कि आयत क्या है, एक वर्ग है जो कि इस वृत्त के अंदर बना हुआ है। तो इस टाइप से अपन उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के अनुप्रयोग के जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके ये वीडियो, ये जो वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं आपकी समझ में आया या नहीं आया। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, उदाहरण नंबर 37। उदाहरण नंबर अपना 37, सिद्ध करो कि दी गई त्रिकोणचाई, त्रिकोणचाई अपने को दे रखी हो, मान लो कुछ भी दे रखी हो, अभी तो कांस्टेंट लेनी है अपने को, क्योंकि त्रिकोणचाई दी गई त्रिकोणचाई के अंतर्गत अपने को लेकर चलना है। तो त्रिकोणचाई अपन क्या मान लेंगे यहाँ पे, एल मान लेंगे, जो कि नियत रहेगी यानी कांस्टेंट होगा उसका मान, ठीक है। तो दी गई त्रिकोणचाई, त्रिकोणचाई अगर अपने को दे रखी हो तो इसके लिए अपन त्रिकोणचाई को कांस्टेंट लेंगे, और महत्तम आयतन, आयतन क्या आना चाहिए, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण ये होता है। तो अपने को दो बातें सिद्ध करनी है इसमें, सबसे पहला तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है अपने को, एक नंबर पॉइंट तो ये सिद्ध करना है कि जो शंकु है उसका आयतन क्या आना चाहिए, महत्तम आना चाहिए, यानी महत्तम का मतलब अधिकतम। तो शंकु का सिद्ध ये करना है नंबर एक, तो कि शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन क्या है, महत्तम है। महत्तम का मतलब क्या है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट का मतलब क्या है, अधिकतम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अर्धशीर्ष कोण यानी शंकु का अर्धशीर्ष कोण है वो क्या है, यानी थीटा का मान कितना है यहाँ पे, टेन इनवर्स रूट टू है, ये अपने को सिद्ध करने दोनों बातें। तो सबसे पहले अपन एक शंकु बना लेते हैं इस टाइप से, ये एक शंकु हो गया, शंकु, अब ये शीर्ष है शंकु का, तो इसका अर्धशीर्ष कोण ये अपन थीटा मान लेते हैं, जो कि क्या आना चाहिए, टेन इनवर्स रूट टू आना चाहिए। यह शंकु की क्या है, त्रिज्या आर है, यह शंकु की ऊंचाई एच है, और यह शंकु की त्रिक ऊंचाई एल है, जो कि अपने को क्वेश्चन में बता रखी है। इस त्रिक ऊंचाई को अपन क्या लेके मान लेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, नियत, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है कि त्रिक ऊंचाई के अंतर्गत ही अपने को करना है, ठीक है। और महत्तम आना चाहिए आयतन शंकु का, और ये जो कोण थीटा ये आना चाहिए टेन इनवर्स रूट टू, दोनों बातें अपने को सिद्ध करनी है। तो अपन शंकु के आयतन से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, तो शंकु का आयतन लिखते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वी बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वेयर एच, शंकु का आयतन क्या होता है, वी बराबर में एक बटा तीन पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब देखो वी बराबर एक बटा तीन पाई का पाई, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक आर है और एक है एच है, और एल तो यहाँ पे क्या बता रहा है अपने को, कांस्टेंट, यानी दी गई त्रिकोणचाई के अंतर्गत, तो एल तो कांस्टेंट लेना है, आर और एच दोनों वेरिएबल हैं, तो यहाँ से आर को हटाओ चाहिए एच को, मैं यहाँ से आर को हटा देता हूँ, ये आर स्क्वायर है। अपन पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि एल ये एक समकोण त्रिभुज है ऐसे,
तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है लंब स्क्वायर। 90 के सामने कर्ण होता है तो ये कर्ण स्क्वायर तो हो गया एल स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया लंब स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन पाइथागोरस की सहायता से। यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर का मान लिखना चाहूँ तो आर स्क्वायर का मान क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, ये एल स्क्वायर आर स्क्वायर का मान हो गया। तो वो मैंने आर स्क्वायर का मान यहाँ पे लिख लिया इसके अंदर, एल स्क्वायर माइनस में क्या है एच स्क्वायर और इनटू में क्या है एच। ये शंकु का आयतन आ गया बी बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इनटू में क्या है एच। तो वी बराबर अपना आ गया यहाँ से वी बराबर आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये सेम का सेम आ गया। अब अपन क्या करेंगे इसका, अब उच्च तथा निम्निष्ठ मान के लिए अपने तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप अवकलन करना, तो वी का अपन एल तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या बचा है एच बताए, तो एच के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो वी का एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वी का तो हो जाएगा डी वी बाई डी एच। 1/3 का पाई है तो सेम का सेम आएगा यानी 12 है मल्टीप्लाई में, इन दोनों का अवकलन कर लेते हैं, ये यू हो जाएगा और ये हो जाएगा वी, ठीक है। तो एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर का पहले अवकलन करते हैं, तो एल स्क्वेयर तो अच्छा है जीरो हो गया, माइनस एच स्क्वेयर का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस 2h, एच का एच प्लस एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। वी का अवकलन करेंगे तो एच का हो गया 1, यू इंटू वी से अवकलन हो गया। तो डी वी बाई डी एच का मान क्या आ गया यहाँ से 1/3 पाई, ये आ गया माइनस का 2h स्क्वेयर, माइनस का कितना हो गया 2h स्क्वेयर और प्लस में एल स्क्वेयर है और माइनस में कितना है एच स्क्वेयर। तो डी वी बाई डी एच का मान, डी वी बाई डी एच का मान क्या आ गया 1/3 पाई, ये देखो एल स्क्वेयर है माइनस, ये माइनस 2h स्क्वेयर और ये माइनस का एच स्क्वेयर है, तो माइनस के कितने हो गए, ये हो गए माइनस के 3h स्क्वेयर, ये डी वी बाई डी एच का मान आ गया। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकेंड स्टेप दूसरे में अपन क्या करते हैं, डी वी बाई डी एच बराबर लिखते हैं 0, जिससे अपने पास में एच का मान निकल जाएगा, यानी एच के सापेक्ष अवकलन किया तो एच का मान, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक्स का मान। तो डी वी बाई डी एच का मान कितना है वो इसके बराबर लिख लेंगे अपन, तो 1/3 पाई एल स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर और बराबर इसके क्या लिखेंगे 0। अब 1/3 पाई तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, 0 के बराबर ये वाला होगा, तो एल स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर बराबर क्या होगा 0। यहाँ से 3h स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा एल स्क्वेयर, यानी ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का होगा, इधर एल स्क्वेयर बचेगा, तो 3h स्क्वेयर बराबर हो गया एल स्क्वेयर। तो एच स्क्वेयर बराबर कितना आ गया एल स्क्वेयर 1/3 आ गया। और अगर एच का मान अपन देखें तो एच का मान क्या आ जाएगा, स्क्वेयर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, रूट एल स्क्वेयर 1/3, तो एच का मान क्या आ जाएगा रूट से बाहर आएगा, तो एल और बट्टे में रूट के लग जाएगा 3, लग रूट लग जाएगा 3 के, तो एच का मान आ गया एल बट्टे में रूट 3। ये एच का मान अपन ने निकाल लिया। अब दो स्टेप हो गए, तीसरे स्टेप में अपन अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए क्या देखते थे कि एक बार पुनः अवकलन करना है अपने को, ठीक है। तो एक बार पुनः अवकलन कर लेंगे, तो पुनः अवकलन अपन कर लेते हैं, तो पुनः अवकलन करेंगे तीसरा स्टेप में, तो डी वी अपॉन में डी एच है तो इसका एक बार और करेंगे तो डी टू वी अपॉन में क्या हो जाएगा डी एच टू, ठीक है। 1/3 पाई का 1/3 पाई आएगा, एल स्क्वेयर माइनस 3h² का अवकलन करें तो एल स्क्वेयर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लेके चले हैं, यानी अच्छा रहिए, तो और माइनस 3h² का अवकलन हो जाएगा माइनस का 6h, एच स्क्वेयर का 2h हो जाएगा, 2h का 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6h। तो डी टू वी अपॉन में डी एच टू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस 6, 3 से कट जाएगा 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई और h, माइनस का 2 पाई h आ गया, ठीक है। और h बराबर क्या लिखना अपने को l बटा रूट 3, तो h बराबर l बटा रूट 3 पर डी टू वी अपॉन में डी एच टू का मान क्या आ जाएगा, डी टू वी अपॉन में डी एच टू का मान क्या आ गया यहाँ से माइनस 2 पाई इंटू h, h की जगह लिख लेंगे l बटा रूट 3, तो ये मान आ गया माइनस 2πL, माइनस 2πL अपॉन में रूट 3, जो कि 0 से क्या है छोटा, यानी माइनस आ गया तो मान 0 से हमेशा क्या होगा छोटा, L की जगह तो कोई कांस्टेंट मान आएगा जिससे माइनस वाला तो प्लस होना नहीं है, तो मान हमेशा क्या रहेगा 0 से छोटा, 0 से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब बताया है जो अपन ने मान निकाला है किस पे देखा है, एच बराबर एल बट्टा रूट 3 पर, एल बट्टा रूट 3 पर शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन महत्तम है। तो एक नंबर बात तो अपने सिद्ध कर दी ये वाली कि शंकु का आयतन महत्तम है, यानी यहाँ शंकु का आयतन क्या है महत्तम। तीन स्टेप होते हैं उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए, उन्हीं तीनों स्टेप से अपन इसका मान क्या प्रूव कर दिया महत्तम। अब अगला स्टेप था अपना
कि थीटा बराबर क्या आना चाहिए, टेन इनवर्स रूट दो आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, ये एक है यहाँ पे समकोण त्रिभुज, दिख रहा है सभी को समकोण त्रिभुज। अब लाल बट्टा कक्का से अपन टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, दूसरा स्टेप प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये वाला थीटा बराबर ही आना चाहिए। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, थीटा के सामने लंब होता है तो लंब का मान तो है यहाँ पे आर बट्टे आधार जिस पे बना हुआ है थीटा। थीटा किस पे बना हुआ है, इस लाइन पे बना हुआ, तो ये हो जाएगा एच। तो टेन थीटा बराबर आ गया आर बट्टे एच। अब अपने पास में एच का मान तो है एल बट्टा रूट तीन, लेकिन मान किसका नहीं है, आर का। तो आर का मान अपन निकाल लेंगे, आर स्क्वेयर बराबर क्या था अपने पास में, आर स्क्वेयर बराबर था एल स्क्वेयर माइनस में एच स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर माइनस में एच स्क्वेयर, और एच स्क्वेयर का मान क्या निकला था, एल स्क्वेयर बट्टा तीन। तो एच की यहाँ पर लिख लिया स्क्वेयर की जगह अपन ने एल स्क्वेयर बट्टा तीन। तो आर स्क्वेयर बराबर क्या आएगा, यहाँ पे लघुतम ले लेंगे अपन तीन, तो ये आ जाएगा तीन एल स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आर स्क्वेयर बराबर में आ गया, तीन एल स्क्वेयर में से एल स्क्वेयर निकालेंगे तो दो एल स्क्वेयर बट्टे कितना हो जाएगा, तीन। ठीक है, दो एल स्क्वेयर बट्टा हो गया तीन। अब देखिए, तो ये आर स्क्वेयर का मान आ गया, तो आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर अपन आर का मान निकालते हैं तो आर का मान स्क्वेयर इधर जाके रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट दो बटा तीन एल स्क्वेयर, और ये तो रूट दो बट्टे रूट तीन ही आएगा, और इनटू में रूट से एल स्क्वेयर बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा एल। तो आर का मान कितना आ गया, रूट दो बट्टा रूट तीन एल आ गया। ठीक है, ये आर का मान आ गया, जो कि अपन इसमें लिख लेंगे समीकरण में, टेन थीटा बराबर आर बट्टा एच में लिखेंगे मान, टेन थीटा बराबर कितना अपने पास में, आर बट्टा एच। तो टेन थीटा बराबर आर बट्टा एच में अगर मान लिखते हैं तो टेन थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ से आर 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 की जगह क्या लिखेंगे, रूट दो बट्टे में क्या इसके रूट तीन, और इनटू में इसके क्या है एल पूरा बट्टा एच। एच का मान कितना निकाला है अपने, एल बट्टा रूट तीन, तो इसकी जगह लिख लेंगे एल बट्टा रूट तीन। तो ये ऊपर तो कितना है, रूट दो बट्टा रूट तीन इंटू में एल है, इंटू में ये भाग की लाइन है, भाग का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, भाग को भाग से अपन सोल्व करते हैं, जैसे एक बट्टा दो है भाग एक बट्टा तीन है, तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगता है और एक बट्टा तीन का क्या हो जाता है, तीन बट्टा एक। वैसे यहाँ पे एल बट्टा रूट तीन है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट तीन बट्टा एल हो जाएगा। अब देखो, रूट तीन से रूट तीन कट जाएगा और एल से एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर अपने पास में सिर्फ ही कितना बचा, रूट दो बचा। टेन थीटा बराबर कितना बचा, रूट दो। तो थीटा का मान क्या आ गया, टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स रूट टू। ये थीटा का मान अपन ने निकाला जो कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण है। तो दो बातें अपन ने सिद्ध कर दी इसमें, कि शंकु का आयतन महत्तम होता है और थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स रूट दो। ठीक है, बाकी के जो उदाहरण है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक अपन ने जो है 36 और 37 नंबर उदाहरण कर लिया है, तो ये वीडियो आप पूरा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।